हेलो बच्चों, मैं राकेश शुक्ला आपके लिए जो है फैक्टराइजेशन चैप्टर आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए जो हमारी सीरीज चल रही थी फैक्टराइजेशन चैप्टर की, तो उसका ये फोर्थ वीडियो है आपके सामने। हमने आपसे कहा था कि दरअसल ये जो चीजें हैं वो सीबीएसई में 9th क्लास के बच्चों के लिए भी यही सेम चीजें हैं, ठीक है। तो आपके अगर फ्रेंड होंगे तो बता दीजिएगा, ये सारा फैक्टराइजेशन के जितना आपका है ये सारा 9th क्लास वाले बच्चे जो सीबीएसई के हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। आप उनको शेयर कर सकते हैं वीडियो को। तो अब जो है हम लोग पार्ट फोर की बात जो कर रहे हैं, तो हमने जो है डिस्कस कर लिया था आपसे डिवीजन एल्गोरिथम, और उसमें हमने एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करके दिखाया भी था। कुछ बच्चों को डिवीजन भूल गया है, इस तरह से प्रॉब्लम है। तो एक क्वेश्चन आज और लेते हैं डिवीजन का, उसको भी करते हैं आपको समझाते हुए। अब उसके बाद फिर जो है फिर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये तीन चीजें समझ लेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज बेटा आप लोग इसको लाइक और शेयर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स को जरूर मतलब बताइएगा जिससे वो भी देखें। और मुझे उम्मीद है कि जब मैं ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूँ तो आपको ये समझ में भी आएगा, आपको फायदेमंद होगा वीडियो। और वीडियो के बारे में आप अगर पसंद आए तो कमेंट भी करिएगा। और दूसरी चीज जो है वीडियो की चीजों को जो वर्ड बोले जाते हैं थोड़ा सा उन सब चीजों को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे अभी मैं एग्जाम्पल से जो समझा रहा हूं तो उसको घर में भी उस तरह के क्वेश्चन हमने आपसे कहा था करिएगा, लेके अपना सॉल्व करिएगा, तो आप लोग ऐसे प्रैक्टिस भी किया कीजिए। चलिए अभी ज्यादा बातें नहीं करेंगे और सीधे जो है हम काम पे आ जाते हैं। तो अभी एक डिवीजन का क्वेश्चन लेते हैं, उसको आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे कैसे डिवाइड किया जाता है, उसके बाद फिर जो है आगे चलेंगे। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन है डिवाइड, एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं कोई भी जो है डिवाइड करने के लिए जो है डिवाइड चलिए डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस, कुछ भी ले सकते। तो सबसे पहले हमने आपसे कहा था कि जो डिविडेंड है और जो डिवाइजर है इन दोनों को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट कर लेंगे। पॉलिनोमियल है दोनों ही, और पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब आप जानते हैं कि वेरिएबल की पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, वेरिएबल की पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, ठीक है। मतलब सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल वाला टर्म नोट करेंगे, फिर उससे स्मॉलर पावर के साथ जो वेरिएबल आए वो टर्म नोट करेंगे, फिर इस तरह से, और या तो वेरिएबल की पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो हम लोग जनरली डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं, वो हमारे लिए कन्वीनियंट होता है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिया है, अगर आपको जंबल्ड फॉर्म में है कि पावर ये पावर थ्री पहले आ गई, पावर फोर इधर आ गई, कहीं इस तरह से ऑर्डर चेंज है, तो आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना होगा। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। और ऐसा करने के पीछे हमने आपको बताया था क्योंकि जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म होता है दरअसल वही हमें लाना होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो अरेंज मैनर से होगा, अच्छे से होगा, सिस्टमेटिक होगा, तो हमारा डिवीजन आसान होगा।
और बीच में रहेगा तो फिर उसको खोजिए, उसके हिसाब से चेक करिए, थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए हमको अरेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका जो सलूशन है इसको जो हम सॉल्व करेंगे, x माइनस वन, अब ये जो है नोट कर लीजिए, अरेंज पहले से ही है, 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 2x माइनस 5। चलिए यहाँ पे सब जगह माइनस माइनस लिया, कुछ भी ले सकते हैं, प्लस माइनस आप अपने से कोई भी पॉलीनोमियल दो ले लीजिए। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, जो इस डिवाइजर की जो डिग्री है वो निश्चित रूप से डिविडेंड की डिग्री से छोटी होनी चाहिए और या तो इक्वल हो सकती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 3 से हम 2 को कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए अर्थमेटिक में डेसिमल का सिस्टम है, हम जानते हैं यहाँ डेसिमल जैसे चक्कर हमें कुछ है नहीं, तो इसीलिए जो है यहाँ पे तो ये छोटा हो सकता है, हम डेसिमल का यूज करके इसको बड़ा बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मेन चीज डिग्री होती है पॉलीनोमियल की, तो डिविडेंड की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से बड़ी होनी चाहिए या इक्वल। ध्यान में रखिएगा, डिग्री ऑफ डिविडेंड शुड बी इक्वल टू डिवाइजर और ग्रेटर देन डिवाइजर। अब बार बार वही चीजें आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, डिविडेंड की जो डिग्री है, ठीक है, डिविडेंड की डिग्री यहां पे 4 है क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री, डिविडेंड की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से या तो बड़ी होगी या उसके इक्वल हो सकती है, लेकिन डिवाइजर की डिग्री से डिविडेंड की डिग्री छोटी नहीं हो सकती है, ऐसे में डिविजन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो मेन काम होता है वो ये होता है कि जो हाईएस्ट पावर कैरी करने वाला टर्म है, यही यहाँ पे जो है ग्रेटेस्ट पावर वाला टर्म है, किसकी पावर, वेरिएबल की, सबसे बड़ी पावर एक्स की पावर 4 यहीं पे है, तो ग्रेटेस्ट पावर वाले टर्म को लाना होता है, टर्म को, ये नहीं कि केवल यही पावर को, पूरे टर्म को, ये पूरा जो है ग्रेटेस्ट पावर कैरी करने वाला टर्म है, तो हमें क्या लाना है, हमें लाना है 3x की पावर 4, ठीक है, यही हमें लाना होता है। हम लोग ऐसे भी डिवाइड करते हैं, जैसे 3 से डिवाइड किया, हमने कल कहा था 17 को डिवाइड किया, तो हमको क्या लाना होता है, ये लाना होता है, या तो ये एग्जैक्ट आ जाए और या तो इससे स्मॉलर रहे, ग्रेटर तो नहीं होना चाहिए मैथमेटिक में, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट इसके इक्वल ही लाना होगा, यहाँ पे तो इक्वल नहीं आ रहा तो स्मॉलर चलेगा, लेकिन यहाँ पे स्मॉलर नहीं चलेगा, एग्जैक्ट अगर ये माइनस में होगा तो माइनस भी चाहिए, ठीक है ना, मतलब 3x की पावर 4 है तो एग्जैक्ट 3x की पावर 4 लाना है आपको। अब उसके बाद जैसे इसको हम लोग करते थे तो 5 से मल्टीप्लाई, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करते थे, तो वैसे ही यहाँ पे जो भी है उसको, यहाँ जो भी कोशेंट आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा यहाँ लिखेंगे, लेकिन यहाँ कोशेंट क्या आएगा, वो ऐसा कोशेंट हम यहाँ रखेंगे जिससे इसके हाईएस्ट पावर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करिए तो इसके हाईएस्ट पावर वाला टर्म आपको मिल जाए, ठीक है ना, तो ये आप समझ गए। तो चलिए हमें यही हाईएस्ट पावर टर्म लाना है, यही लाना है, यहां कुछ लिखेंगे और उससे इस हाईएस्ट पावर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी केवल हाईएस्ट पावर टर्म सिलेक्ट कर दीजिए, इसी को केवल मल्टीप्लाई करके चेक करना होता, बाकी ये सब तो मल्टीप्लाई बाद में होते हैं, हाईएस्ट पावर टर्म यहाँ पे यही है, इसको x को हमें मल्टीप्लाई करना है एक सुटेबल नंबर, अभी ये पता नहीं है, इस सुटेबल नंबर हमें जब हमें पता हो जाएगा तो उससे ये मल्टीप्लाई कर दो तो यही आ जाना चाहिए, तो ये बहुत आसान होता है, आप ये देख के समझ सकते हैं कि ये आएगा कैसे, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो हमको चाहिए कॉन्स्टेंट 3, तो यहाँ पे तो कॉन्स्टेंट 1 है, 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक तो 3 आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद चाहिए एक्स की पावर 4, यहाँ एक्स की पावर 1 ऑलरेडी है और एक्स की पावर 3 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो पावर इसकी और इसकी पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 और 1 ऐड होके पावर 4 हो जाएगी, ठीक है ना, तो ये पता चल गया कि दरअसल यहाँ पे 3x क्यूब लिखना पड़ेगा हमको, क्योंकि 3x क्यूब से ही इस हाईएस्ट पावर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा,
ठीक है ना, क्लियर है बात। अब अगर बहुत लोग इसको ऐसे भी समझाते हैं कि चलो ये एक्स था, यहाँ पे क्या होगा नहीं पता, तो मान लिया जो है यहाँ पे वाई, और तो मल्टीप्लाई कर दिया ये आ गया। अब वाई निकाल लीजिए कि वाई बराबर ये एक्स मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में जाएगा, ऐसे एक्स की पावर वन इस पावर को कैंसिल कर देगी, तो ये थ्री तो बचेगा ही क्योंकि इसको कैंसिल करने के लिए कुछ नहीं, वन से करें तो थ्री आ जाएगा, और ये एक्स की पावर वन इस पावर को जब माइनस करेंगे फोर पावर से, ये वन पावर माइनस हो जाएगी तो पावर थ्री बचेगी। ये एक्सपोनेंट पे हम लोगों ने पढ़ा है, सेम बेस डिवीजन में है तो पावर माइनस हो जाएगी तो ये आएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं कि मान लीजिए ये यहाँ पे वाई होगा, अभी वाई हमें पता नहीं है, तो ये एक्स यहाँ से हटाइए क्योंकि वाई निकालना है, तो वाई इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा इसके नीचे, और ये सॉल्व होकर ये बचा तो वाई की वैल्यू ये आ गई। और यही आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं, इतना तो अब इस क्लास में आके आप लोग मैच्योर हो गए, समझदार हो गए हैं कि ये सारी चीजें डायरेक्ट भी ऐसे समझ सकते हैं। तो चलिए अपने समझने के लिए इसको भी नोट कर लीजिएगा और ऐसे भी समझ लीजिएगा। तो 3x³ यहां पे लिखना पड़ेगा, ये अब चलिए अब क्या करेंगे, 3x³ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। अब इसको हटा दीजिए तो 3x³, ये 3x की पावर 4 ही आएगा। अब इस 3x³ से इसको तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब इससे जो है सेकेंड वाले टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे, डिसाइड तो केवल इसकी हेल्प से करेंगे, लेकिन जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे डिवाइजर को करेंगे, ठीक है। तो इसको करेंगे तब तो यही एग्जैक्ट आ जाएगा, नोट कर दिया। और उसके बाद 3x³ से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, तो जो भी आएगा उसको माइनस के साथ नोट करेंगे, और आएगा क्या 3x³ 1+3x³ होगा, 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो यही रह जाएगा। अब 3x³ आएगा तो x³ का टर्म यहाँ पे है तो इसी के नीचे नोट कर लीजिए, और यहाँ पे माइनस था ये प्लस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा तो 3x³ आ जाएगा। अब इससे थोड़ी दूर पे लाइन खींचेगा, एकदम पास में मत खींचेगा क्योंकि हमें साइन चेंज करना होता है। तो ये नीचे वाले का टर्म जो नीचे एक्सप्रेशन आ गया इसी का साइन चेंज करना होता है, ये पॉजिटिव है तो इसका निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव है तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस और प्लस, प्लस माइनस आपका जो है माइनस हो जाएगा, तो 4x देखिए इसका साइन अब पॉजिटिव हो चुका है, ध्यान में रखिएगा आप लोगों, तो प्लस माइनस माइनस, तो 4x³ से 3x³ माइनस हो जाएगा तो 1x³ बचेगा, तो 1x³ बचेगा तो 1x³ को केवल x³ लिख दिए, और 4 से 3 माइनस हो रहा, बड़ा नंबर 4 ही था, ये माइनस में था इसलिए -1x³, बाकी एज इट इज नोट कर लीजिए क्योंकि इनके नीचे तो कुछ नहीं है, -2x -5, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए फिर से आप ध्यान दीजिए, हाईएस्ट पावर वाला टर्म, अभी जैसे अभी इसको मत करिए, इसमें आपने देखा था हाईएस्ट पावर जो था वही लाना था, अब ये जो मिल गया, अब ये डिविडेंड का काम कर रहा है, डिवाइजर तो यही रहेगा, अब ये डिविडेंड का काम कर रहा है, अब इसमें हाईएस्ट पावर वाले टर्म को लाना होगा, तो हाईएस्ट पावर वाला टर्म यही है, अब ये लाना है हमको, ठीक है। तो हमको चाहिए माइनस भी, तो यहाँ पे तो हाईएस्ट पावर यही वाला है, इसी को मल्टीप्लाई करके लाना होगा ये, तो यहाँ तो पॉजिटिव है तो एक तो यहाँ पे माइनस लगेगा पहली बात, क्योंकि माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस आएगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपको यहाँ पे तो 1 चाहिए, तो 1 तो यहाँ ऑलरेडी है ही है, तो वहां पे नंबर की तो कोई जरूरत नहीं है, साथ में चाहिए x³, तो x पहले से ही है, तो x को अगर x² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x को x² से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x³ आ जाएगा, और माइनस जो है वो ये माइनस हमने लगा दिया, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा तो माइनस भी आ जाएगा, तो इसका मतलब x² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे काम बन जाएगा, एग्जैक्ट यही लाना था, हाईएस्ट पावर का टर्म यही है, ध्यान दीजिएगा जैसे यहाँ किया था सेम वही चीज यहाँ भी होगा। तो x² से चलिए इसको मल्टीप्लाई किया तो ये -x³ हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, और साथ में x² से हमें इसको -1 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा,
तो जो भी आएगा वो प्लस के साथ नोट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर वन जा एक्स स्क्वायर और पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का जो टर्म होना चाहिए वो एक्स क्यूब के जस्ट बाद होना चाहिए, तो यही इसके बगल में ही जो है आप एक्स स्क्वायर का टर्म नोट कर लीजिए, मतलब टू एक्स के नीचे कुछ नहीं है, क्योंकि एक्स की पावर वन है यहाँ पे टू है, तो पावर टू को पावर टू के नीचे ही लिखते हैं हम, यहाँ पे पावर टू था नहीं, तो थ्री और वन के बीच में कहीं होगा, तो यहाँ पे हमने लिख लिया इसको। साइन चेंज करेंगे, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, इनके नीचे तो कुछ है नहीं क्योंकि साइन केवल नीचे वाले एक्सप्रेशन का चेंज करते हैं। तो चलिए ये एक्स क्यूब पॉजिटिव हो चुका है, यहाँ एक्स क्यूब निगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर अकेला है ऊपर, तो एक्स स्क्वायर है नहीं, लेकिन अब इसका साइन माइनस हो चुका है, तो माइनस एक्स स्क्वायर नोट कर लीजिए, ये किसी के साथ सॉल्व तो होगा नहीं क्योंकि एक्स स्क्वायर खत्म ऊपर तो है नहीं। अब बाकी चीजें नोट कर ली जाती है, तो माइनस टू एक्स बचा और ये माइनस फाइव बचा। अब हाईएस्ट पावर का टर्म हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के साथ, अब हमें एक्स स्क्वायर लाना है माइनस के साथ, तो ये एक्स पहले से ही है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा, बस माइनस भी लाना है तो माइनस लगा लो, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, मतलब अब हमें माइनस एक्स यहाँ पे करना पड़ेगा। माइनस इसलिए किया माइनस और प्लस, क्योंकि हर बार इसी को मल्टीप्लाई करके लाना होगा हमें, तो वो माइनस ये प्लस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, तो माइनस तो लगा दीजिए और एक्स मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर हो गया, और माइनस एक्स को माइनस वन से भी करेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और एक्स का टर्म है इसी के नीचे प्लस एक्स लिख दीजिए। अब साइन चेंज कीजिए, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम चीज प्लस में सेम चीज माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों माइनस में है, ये प्लस से अब कोई मतलब नहीं है क्योंकि साइन जो चेंज हो गया वो माना जाएगा, तो माइनस माइनस तो ऐड हो जाता है, ये वन है ये टू है, तो माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगा, तो माइनस थ्री एक्स, और ये बच गया माइनस फाइव। अभी भी ये डिवीजन होगा क्योंकि अभी भी डिग्री इसकी वन है, यहां पे भी डिग्री वन है, जब इसकी डिग्री छोटी हो जाती है डिवाइजर से तभी डिवीजन रुकता है। तो चलिए अब हमको चाहिए माइनस थ्री एक्स, तो एक्स को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस थ्री एक्स मिल जाएगा, तो माइनस थ्री से चलिए मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो माइनस थ्री से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस थ्री एक्स आ गया, और माइनस थ्री से माइनस वन को मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो जाएगा, और प्लस थ्री वन जा थ्री। फिर साइन चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये थ्री माइनस में हो चुका है, ये भी माइनस में है, तो माइनस एट बचेगा। तो इस तरह से बेटा आप लोगों ने देखा कि डिवीजन प्रोसेस कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है, आपको हर बार जो है मतलब इस ग्रेटेस्ट पावर वाले टर्म को लाना होता है, इस ग्रेटेस्ट पावर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करके, तो आप सोचिए कि इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे जिससे यही आ जाए, तो जब वो डिसाइड हो जाए तो उसको यहाँ लिख लीजिए, और फिर इससे जो है इस पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो थ्री एक्स क्यूब से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया, और थ्री एक्स क्यूब से माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया, साइन सहित मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है तो इनका माइनस मल्टीप्लाई निगेटिव हो जाएगा, ठीक है इस तरह से। फिर नीचे वाले एक्सप्रेशन का साइन चेंज कर लिया कीजिए, ये पहला वाला हमेशा कैंसिल होता चला जाएगा क्योंकि हम एग्जैक्ट लाते हैं उसको, और ये दूसरे वाले को आप देख लिया कीजिए साइन के अकॉर्डिंग, अब ये नीचे का साइन हो गया है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है और ऊपर वाला तो निगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस, तो फोर से थ्री माइनस वन बचा, और बड़ा यही है फोर वाला माइनस में इसलिए माइनस वन बचा, और साथ में एक्स क्यूब लगा है तो एक्स क्यूब लगा देंगे, तो माइनस वन एक्स क्यूब, तो वन नहीं लिखते अंडरस्टूड होता है, वो आप लिखने को लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिखिए तो ज्यादा बेटर रहता है, और ये हो गया, और साथ में जो चीजें जिनके नीचे कुछ नहीं है वो चीजें एज इट इज नोट हो जाएंगी। अब ये हो गया डिविडेंड, अब इनका काम खत्म आपके लिए, इसमें सारी चीजें ये जो बचती है वो भी नोट हो जाती है, इसलिए अब खत्म काम। अब ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, फिर से एक तरह से अब आप इसको इससे डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो अब आपको जो हाईएस्ट पावर का टर्म है यही है माइनस एक्स क्यूब, तो फिर आप सोचिए कि एक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दें जिससे कि माइनस एक्स क्यूब आपको मिल जाए,
तो एक तो एक्स की पावर वन है, एक्स की पावर टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स क्यूब मिल जाएगा, और दूसरा माइनस वन चाहिए तो वहां पे माइनस कर दीजिए, और यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस भी हो जाएगा, और फिर एक्स स्क्वायर से माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ तो है नहीं, तो ये थोड़ा सा जब आप नोट किया कीजिए, थोड़ा थोड़ा गैप रखा कीजिए कि थ्री के बाद टू नहीं है, हो सकता हमें टू मिल जाए तो थोड़ा गैप रखा कीजिए। तो ये देखिए हमने एक्स स्क्वायर का टर्म हमें मिला है, तो हमने एक्स के नीचे नहीं नोट किया क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है, तो एक्स क्यूब और एक्स के बीच में ये नोट है। अब नीचे का साइन बदल दिया हमने तो ये कैंसिल हो गया, ये माइन अब एक्स स्क्वायर के साथ ऊपर तो कुछ है नहीं, तो ये एक्स स्क्वायर नोट होगा, लेकिन इसका साइन माइनस हो चुका है इसलिए माइनस के साथ नोट होगा, बाकी ये जो इनके नीचे कुछ नहीं है तो एज इट इज साइन सहित नोट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पे हमने ये सब नोट कर लिया, फिर हमें माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए था तो माइनस एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, हर बार वही हाईएस्ट पावर हमें लाना होता है, हाईएस्ट पावर वाला टर्म, तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। ये डिविजन तब तक चलेगा जब तक कि जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी ना हो जाए, छोटी हो जाना जरूरी है, इक्वल रहेगा तो भी डिवीजन होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए पावर वन आ गया है, पावर वन है तो यहाँ पे भी तो पावर वन है, डिग्री दोनों की वन वन है, फिर भी डिवीजन हुआ, मतलब डिग्री सेम रहेगी तो भी डिवीजन होगा जब डिग्री इसकी छोटी आ गई है। देखो डिवाइड करने के बाद एट आ गया है जो कि एक कॉन्स्टेंट टर्म है, और इसमें डिग्री एक्स की पावर जीरो है तो मतलब इसकी डिग्री क्या है जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री जीरो है जबकि यहाँ पे डिग्री वन है, तो जब डिग्री छोटी हो गई तो डिवीजन रुक जाएगा। तो ये माइनस एट आपका रिमाइंडर है, ये टर्म जो आपका एक्सप्रेशन है ये कोशेंट है, ये डिवाइजर, ये डिविडेंड। तो इस तरह से आपने डिवीजन का ये क्वेश्चन देखा। अब आपको मैं नहीं समझता कि नहीं आएगा, अगर लेक्चर में ये बोली गई बातें अगर आप ध्यान देंगे, ठीक है, कि हमको क्या करना होता है, क्या लाना होता है, तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। फिर हम बीच बीच में जो है क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वहां पे भी इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी हेल्प से भी हम वहां पे सॉल्व करेंगे, और एक और तरीका रहेगा उसकी हेल्प से भी सॉल्व करेंगे, तो आपको थोड़ा सा रिविजन भी हो जाएगा। लेकिन हमारा सजेशन है आपको कि आप इस तरह से 8-10 क्वेश्चन नोट कर ले और जो है उसको जो है सॉल्व करें, ठीक है, तो इस तरह से जो है आप करें। तो चलिए इसको आप बेटा नोट कर लीजिए और देखिए जो है अपने और क्वेश्चन करिएगा और इसको नोट कर लीजिए, मैं रफ कर दे रहा हूं, वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो में आवाज आ रही होगी, बगल में काम लगा हुआ, बगल के मकान में जो है तो खटखट की आवाज आ रही है, अब क्या करें, आप लोग थोड़ा सा केयरफुली सुनिएगा वीडियो को। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया, अब हम लोग जो है फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पे आ जाते हैं। इसको समझते हैं, लेकिन उसके पहले फिर एक नॉर्मल सा अर्थमेटिकल डिवीजन देख लेते हैं। जैसे हमने कहा 3 से जब हम लोग 17 को डिवाइड करते हैं तो 3 5 15 आया और ये रिमाइंडर आ गया 2। तो जब रिमाइंडर 2 आ जाता है तो हम कहते हैं कि रिमाइंडर 2 है, क्वेश्चन 5 है, 3 डिवाइजर है, 17, ये सब चीजें, लेकिन 3 फैक्टर नहीं है 17 का, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो 3 फैक्टर नहीं है, क्योंकि फैक्टर जो है वो नंबर होता है, किसी नंबर का फैक्टर वो नंबर होता है जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे,
किसी नंबर का फैक्टर ऐसा नंबर होता है जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, जैसे 30 को 10 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, 10 थ्री जा 30, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 30 को 10 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर 0 आ जाना, तो इसका मतलब 10 जो है 30 का फैक्टर है, ठीक है। तो यहां पे आपको जो है ये 3 फैक्टर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया, लेकिन इसी तरह जैसे ये है तो 10 फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। तो फैक्टर बनने के लिए डिवाइजर फैक्टर तभी होगा जब रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। और साथ में जो है हम लोग जो है इसको ध्यान रखेंगे कि जब डिवाइजर फैक्टर बन जाएगा तो कोशेंट भी फैक्टर होगा, क्योंकि अगर 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 3 कोशेंट आ जाएगा, अगर 3 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कोशेंट 10 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो डिवाइजर और कोशेंट दोनों ही फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। और हमें पता है कि हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, जैसे यहां पे लिखेंगे 3 डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस ये रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, यही होता है जो है आपका फैक्टर वो डिविजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। तो अब इसी को ध्यान में रखेंगे, तो ये फैक्टर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है, लेकिन इस केस में देखिए हम 10 into 3, ठीक है, और प्लस रिमाइंडर कुछ नहीं है, रिमाइंडर 0 है, पूरा डिविजन एल्गोरिथम यही है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 इज इक्वल टू 30, और देख लीजिए ये ट्रू है, ठीक है। तो डिविजन एल्गोरिथम में ये रिमाइंडर वाला अगर टर्म 0 है, अगर आपको कहीं दिया गया है तो आप समझ लें कि ये जो है 10 और 3 दोनों ही 30 के फैक्टर होंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, और इसी के साथ हम जो है आपको इसको समझाएंगे इसी की हेल्प से। तो चलिए आप लोग जो है माइंड बना लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, इसको रब करते हैं, तब तक आप लोग अपना जो है डिवीजन का क्वेश्चन वेश्चन देख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं आगे इसको आपको पढ़ाता हूँ। चलिए एक बार डिवीजन एल्गोरिथम लिखते हैं। एफ एक्स अगर डिविडेंड है और जी एक्स से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं और क्यू एक्स हमको कोशेंट मिल रहा है और रिमाइंडर आर एक्स, यही डिवीजन एल्गोरिथम है बेटा। देखिए अब वैसे तो मैं आपको टेक्निकली चुकी समझा रहा हूं, बाकी तो चीजें वैसे ही है जैसे अर्थमेटिक में था वैसे भी हम बता सकते थे, लेकिन थोड़ा इसके कंसेप्ट को भी आप समझिए कि कैसे आप इसको एक्सप्रेस करेंगे इस चीज को। हमारी कोशिश यहाँ पे केवल ये नहीं है कि आपको रटाने वाली मैथ में पढ़ाऊं, कोशिश ये है कि अगर आप मैथ को मैथ की लैंग्वेज के साथ समझते हुए चलेंगे बेटा, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट बन के आगे बढ़ेंगे और ये 11th 12th में आपको बहुत ही हेल्प करेगी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर आपको जो है इसी लैंग्वेज को इमेजिन करके समझना होता है, आपको इमेजिनेशन पावर आपकी अच्छी स्ट्रांग बनेगी, तो आप जो है अच्छे क्वेश्चंस कर पाएंगे मैथमेटिक्स के, ये बहुत जरूरी होता है। नहीं तो अभी रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम सब बहुत आसान सी चीजें हैं, उसको फटाफट बताया जा सकता है, ये सब चीजें भी बहुत सी आसान, बहुत ही आसान है, ठीक है। लेकिन तरीका मैं सोचता हूं कि वो बताया जाए जो बच्चों को लॉन्ग टर्म में उनको फायदा करे। तो आप अगर पेशेंस के साथ ये सारी चीजें समझ लेते हैं तो मेरी गारंटी है आपको मैथमेटिक्स का कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा और आपको मैथ आने लगेगी। और ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं जो इतना पेशेंस के साथ देखते हैं, लेकिन मैं ये रिस्क लेता हूँ, कोशिश करता हूँ कि समझाऊं, नहीं तो बहुत आसान से हम फटाफट आपकी एक्सरसाइज लगवाना शुरू कर देते थोड़ा थोड़ा बता के, उससे भी आपका काम होता, लेकिन वही है कि रटने वाली बात हो जाती है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज आप लोग इसको अच्छे से समझिए, बहुत आसान सी चीज है, लेकिन ऐसे आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सारी चीजें इसी तरीके से अच्छी लगने लगेंगी और यही एक सही रास्ता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका डिविडेंड है, डिवाइजर कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब ये सारी चीजें तो आपको पता है, जो ये आप डिवाइड कर रहे हो जिससे, ये एक पॉलिनोमियल है,
तो ये नॉन जीरो पॉलिनोमियल है। ये कैसा पॉलिनोमियल है? जी एक्स जो है नॉन जीरो पॉलिनोमियल होना चाहिए, तभी आप डिवाइड कर पाओगे, ठीक है। और आर एक्स की जो डिग्री है वो डिवाइजर की डिग्री से जो है छोटी होगी, ठीक है। ये सारी चीजें हमें पता है। अब यहां पे जो है आपको ध्यान देना, और साथ में एफ एक्स की डिग्री बड़ी होगी जी एक्स की डिग्री से, ये सारी चीजें पता है क्योंकि ये डिविडेंड है, इसको डिवाइड कर रहे हो इससे, तो इसकी डिग्री छोटी होगी तभी तो डिवाइड करोगे, या इन दोनों की डिग्री इक्वल हो जाए तब पॉसिबल है। तो दो चीजें, या तो दोनों की डिग्री इक्वल हो जाए या इसकी डिग्री छोटी रहे, ठीक है। आर एक्स क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है या कोई भी और पॉलिनोमियल हो सकता है, लेकिन इसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी होनी चाहिए। तो अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि हमने कहा था कि फैक्टर कौन, डिवाइजर फैक्टर तभी होता है जब रिमाइंडर क्या हो जाता है, जीरो, ठीक है। डिवाइजर यही है, डिवाइजर ये फैक्टर तभी होगा जब रिमाइंडर हो जाएगा जीरो। तो चलिए ठीक, इफ जी एक्स, अब जी एक्स क्या है, नॉन जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। इफ जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, अगर जी एक्स जो है इस एफ एक्स का फैक्टर है, हम लोग जैसे 5 से डिवाइड करते थे 15 को, और ये 3 जा 15, ये जो है 0 आ गया, तो हम क्या कहते थे, 5 फैक्टर है, किसका फैक्टर है, 15 का, मतलब डिविडेंड का, तो डिविडेंड तो यही है ना, ठीक है। तो इफ जी एक्स इज ए फैक्टर, मतलब डिवाइजर इज ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड एफ एक्स, देन आर एक्स शुड बी 0, तब तो ये आर एक्स क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, देन एबव रिलेशन विल बिकम्स तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, या देन एबव रिलेशन कैन बी रिटेन एज, ठीक है। अब इंग्लिश का थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देन एबव रिलेशन कैन बी रिटेन एज, कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ये जी एक्स इंटू क्यू एक्स, क्योंकि आर एक्स तो हो गया 0, तो ये हो गया, आपको ये मिल जाएगा। तो इससे अब क्या कंक्लूजन निकला, इफ जी एक्स इज अ फैक्टर, ठीक है, इफ जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, देन देयर इज एन यूनिक पॉलिनोमियल क्यू एक्स, ठीक है। ये एक यूनिक पॉलिनोमियल आपको मिलेगा, अगर ये जी एक्स इसका फैक्टर है तो आपको एक यूनिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, ठीक है, जिससे कि इन दोनों का प्रोडक्ट एफ एक्स आ जाए, जिससे कि इन दोनों का प्रोडक्ट एफ एक्स आ जाए। तो इस केस में जी एक्स जो है फैक्टर है एफ एक्स का, और साथ में हमने बताया था कि ये तो फैक्टर होगा ही, 3 भी फैक्टर होता है एफ एक्स का, ठीक है। तो कोई भी पॉलिनोमियल किसी गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर तब होगा जब उस पॉलिनोमियल से उसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमको 0 मिल जाए, ठीक। तो ये फैक्टर तब होगा जब एक ऐसा यूनिक पॉलिनोमियल मिले जिसका प्रोडक्ट इसके साथ डिविडेंड के इक्वल हो जाए। तो इफ जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, देन देयर इज एन यूनिक पॉलिनोमियल क्यू एक्स सच दैट प्रोडक्ट ऑफ जी एक्स एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। क्लियर हो गई बात, ये फिर ये यूनिक हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये यूनिक हो जाएगा कोसेंट, ठीक है। ये चेंज होगा तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो मतलब अगर ये फैक्टर है इसका, तो एक पॉलिनोमियल ऐसा मिलना चाहिए जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई करे तो ये मिल जाए, ठीक है, एग्जैक्ट यही मिल जाए।
मतलब हमको किसी तरह की रिमाइंडर की हेल्प ना लेनी पड़ेगी, वो ऐड करो तब इसके इक्वल आएगा, ठीक है, मतलब वो जीरो है, उसकी जरूरत ही हमको नहीं है। ऐसा होगा तभी जी एक्स इसका जो है फैक्टर बनेगा, और साथ में जब हमें पता है जब ये फैक्टर बन जाएगा तो कोशेंट है ये भी फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो यही फैक्टर थ्योरम है, तो आप इसको नोट कर ले कॉपी में और हम फिर आगे बताते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इफ जी एक्स, जब मैं इसको लिख भी दे रहा हूं तो दैट इज इफ जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स देन देयर इज अ यूनिक पॉलिनोमियल क्यू एक्स सच दैट जी एक्स इंटू क्यू एक्स गिव्स एफ एक्स, ठीक है बेटा। तो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तब ये फैक्टर बनेगा, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है, फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल टॉपिक। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, आप नोट कीजिए और मैं करूं रब, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं कि ये सारी चीजें बुक में नहीं है, ये सब बुक की ही चीजें हैं। मैं केवल वो बुक की जो लैंग्वेज आप लोग आजकल पढ़ते नहीं है, आप स्कूल में गए टीचर्स ने फट से बता दिया है, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। सब जगह के माहौल ऐसे बनते जा रहे हैं कि पढ़ाई का स्टेटस ही जो है गड़बड़ होता जा रहा है, पढ़ाने का तरीका भी लोगों ने जो है, अब क्या कहें, वो सब चीजें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जो है उससे बच्चे, मतलब कुछ हम टीचर्स की गलतियां हैं और कुछ जो है बच्चों की भी गलतियां हैं कि वो केयरफुली सुनते नहीं, तो टीचर भी कंसंट्रेट होकर सही चीज को नहीं पढ़ाते। उनका भी ये रहता बस कोर्स पूरा करो, प्रिंसिपल साहब को दिखाओ कि कोर्स पूरा हो गया, बच्चे पढ़ें चाहे ना पढ़ें, जाएं अपनी कोचिंग क्लास करें, कुछ भी करें। तो जो है ऐसे में ये सारी जो चीजें हम बता रहे हैं बेटा, अगर आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप समझोगे चीजों को टेक्निकली, तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे। और ऐसे ही बच्चे आगे चल के IIT में, नीट में कहीं पे भी जाइए, मैथ है तो ये नहीं कि मतलब आगे चल के तो आपको बायो लेंगे तो नीट में जाएंगे, नीट देंगे आपको मेडिकल लाइन में जाएंगे, और नहीं तो फिर आप जो है IIT के लिए और इंजीनियरिंग क्लासेस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए कोशिश करेंगे। तो जब इस तरह से आप चीजों को समझे रहेंगे तभी ये पॉसिबल है, आपको फिर मैथ में दौड़ा देगा। मेन चीज इस तरह की टेक्निकलिटी जो है ना, 11th 12th में जब पढ़ाई आप करते हैं मैथ की, तो वहां पे इसी तरह से समझे रहेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, ये आप समझ लीजिए। तो चलिए हम बहुत जल्दी आपके चैप्टर्स पे मतलब आ जाएंगे, एक्सरसाइज पे। तो ये सारी चीजें बुक की ही हमने आपको बताया, बुक में ही सारी चीजें हैं, लेकिन उन चीजों को अक्सर अब पढ़ाया नहीं जाता है, डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका बता के काम करा दिया जाता है, बच्चे एक्सरसाइज लगा लिए फुर्सत हो गए, वो भूल भी गए। अगर आप समझ के करेंगे तो जल्दी भूलेंगे नहीं एक्सरसाइज लगाने के बाद, इसीलिए मैं ये सारी चीजें कोशिश कर रहा हूँ। रिस्की है ये, इस तरह का पढ़ाई कराना, बच्चों को इस तरह समझाना भी रिस्क लेने जैसा है। YouTube चैनल पे भी वो भी, जबकि बच्चे हमारे सामने एकदम नहीं है, वो वीडियो के माध्यम से इसको देखेंगे, तो कुछ लोगों को उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है इस समझ में ना आए, लेकिन अगर कंसंट्रेट करेंगे तो समझ में आएगा। तो ऐसे में लाइक करें और बाद में शेयर करें, ये थोड़ा सा वो हो जाता है, मुश्किल भरा रिस्क हो जाता है, पता नहीं बच्चे पसंद करें ना करें, लेकिन मैंने आपके लिए कोशिश की है। आप ध्यान से वीडियो को समझिए और आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से शेयर करिएगा बेटा, ये हमारे लिए भी जरूरी है, और आपके लिए अगर कोई टीचर कोशिश कर रहा है तो वो आगे बढ़ेगा तो आपके लिए भी फायदा ही है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, ये हो गया फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल। आगे की बात करते हैं हम लोग जो है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब फटाफट आपके काम की चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल।
तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल जो है, वैल्यू निकालना है, तो इसमें जो है हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे समझिए, इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, ठीक है, इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, वेरिएबल एक्स के टर्म्स में हमारा एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, पी एक्स जी एक्स एफ वाई जी वाई कुछ भी, हमने आपसे कहा था किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे पी एक्स लिया, जनरली आदत पड़ जाती है पी एक्स लेने की, तो इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स एंड अल्फा इज अ रियल नंबर, अल्फा क्या है, ये अल्फा है, मैं ऐसे ही बनाता हूं, आप लोग चाहे जैसे बनाए, अब मतलब यही सबसे आसान होता है, चाहे जैसे बनाने को, तो उठपटांग मत बनाइएगा, सीधे से ऐसे बना दीजिएगा, ये अल्फा कंसीडर कर लिया जाता, नहीं तो फिर अल्फा का साइन थोड़ा सा बनाना मुश्किल होता है, ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे कुछ होता है, तो वो थोड़ा सा मतलब बुक में प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट हो जाता है वो तो ठीक है, लेकिन जो है थोड़ा सा बनाना मुझे टफ लगता है, तो ये सबसे बेटर होता है। तो इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स एंड अल्फा इज अ रियल नंबर, अल्फा क्या है, रियल नंबर, हमने आपसे कहा था रियल नंबर को लेकर कंफ्यूजन मत रखिएगा, वैसे तो नंबर सिस्टम पे वीडियो आप देख सकते हैं, हमने कुछ बनाई है ऐसे जनरल वीडियो, तो आप उसको देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको अभी के लिए याद रखिए, बस रूट के अंदर निगेटिव ना हो, माइनस फाइव रूट के अंदर माइनस फाइव, ये रियल नंबर नहीं होगा, रूट वाले नंबर तो रियल नंबर होंगे, रूट फाइव, रूट सेवन, रूट टू, ठीक है, रूट एट, ये सारे रियल नंबर होंगे, थ्री बाई टू, माइनस वन पॉइंट फाइव, ठीक है, थ्री स्क्वायर, ये सब के सब रियल नंबर है, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, रूट में, सारे रियल नंबर होते हैं, बस रूट के अंदर माइनस ना हो बस। तो ये ध्यान रखिए कि मतलब जितने तरह के आप नंबर जानते हैं, ये जान लीजिए आप रियल नंबर ही जानते हैं, बस रूट के अंदर निगेटिव वाला आपको अभी पढ़ाया भी नहीं जाता, ये इमेजिनरी नंबर की कैटेगरी में आता है, ये रियल नंबर नहीं है, तो अभी इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से अल्फा कोई भी रियल नंबर हो, रूट वाला, फ्रैक्शन वाला, डेसिमल वाला, कोई भी, ठीक है। पी एक्स एक पॉलिनोमियल है वेरिएबल एक्स के साथ, वेरिएबल एक्स के टर्म्स में है, और अल्फा कोई रियल नंबर है, देन द देन द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा, ये जो अल्फा रियल नंबर लिया, ये कहां पे पुट करेंगे, जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल जो है वैल्यू लेगा ना, इसकी वैल्यू हम देंगे अपनी तरफ से और रियल नंबर में से देंगे, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा इज पी अल्फा, इज जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पी अल्फा, क्लियर है। तो ये कोई पॉलिनोमियल है वेरिएबल एक्स के साथ, देन किसी रियल नंबर अल्फा के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, देन किसी रियल नंबर अल्फा के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो होगी वो पी अल्फा होगी। तो इसमें देखिए, ये चाक उड़ती है तो नाक की तरफ आ जाती है, खुजली होती है, खुजलाना पड़ता है, ठीक है। तो पी एक्स जो है यहाँ पे वेरिएबल एक्स जो है अल्फा से रिप्लेस होगा, मतलब वेरिएबल की वैल्यू अल्फा हम देंगे, अल्फा एक रियल नंबर है, और पी अल्फा हुआ मतलब पूरे पॉलिनोमियल में जहां वेरिएबल एक्स था वहां अल्फा पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो हमको जो है क्या मिल जाएगी, पॉलिनोमियल की वैल्यू, ठीक है,
किस चीज के लिए, जब वेरिएबल की वैल्यू अल्फा है तब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, पी अल्फा। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, बार बार पी एक्स लिखते हैं हम, चेंज कर देते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए अभी 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 फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फॉर इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। तो इसमें हम दो थ्योरी ले ले रहे हैं। पहला जो है, एक तो पी एक्स ही ले ले रहे हैं, और एक्स की वैल्यू ले ले रहे हैं माइनस टू, एंड एक और एग्जांपल ले ले रहे हैं एफ वाई करके। यहां पे वेरिएबल वाई है, मान लीजिए ये वाई क्यूब माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव, और यहां पे वाई की वैल्यू ले ले रहे हैं वन। तो इस क्वेश्चन का मतलब हुआ, इस पॉलिनोमियल पी एक्स जो कि ये है, पॉलिनोमियल पी एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू माइनस टू के लिए फाइंड करनी है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू माइनस टू के लिए पॉलिनोमियल पी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और यहां पे पॉलिनोमियल एफ वाई की वैल्यू निकालना है जबकि वेरिएबल वाई की वैल्यू वन हो। तो वेरिएबल वाई की वैल्यू वन के लिए पॉलिनोमियल एफ वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। बात समझ में आ गई, पॉलिनोमियल एफ वाई की वैल्यू, पॉलिनोमियल एफ वाई की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y इक्वल टू वन, ठीक है। मतलब जब वेरिएबल y की वैल्यू वन है तो पॉलिनोमियल एफ वाई की वैल्यू कितनी होगी। तो जब y की वैल्यू वन है तो पूरे एफ वाई में जहां जहां y है वहां वन पुट कर देंगे, और यहां पे जब वेरिएबल की वैल्यू माइनस टू है तो पॉलिनोमियल px में जहां जहां x है वहां माइनस टू पुट कर देंगे। तो हम कहेंगे कि वेरिएबल x की वैल्यू माइनस टू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जो आएगी बताएंगे कि उतना आएगी, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके ये नोट करें और क्वेश्चन भी नोट करें, और इधर मैं रब करने जा रहा हूं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। चलिए सॉल्यूशन में आ जाते हैं हम लोग। पहला लेते हैं, पहले आप पी एक्स नोट करिए। पी एक्स आपको दिया हुआ है टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस वन। तो फॉर एक्स इज इक्वल, अब एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू वैल्यू ऑफ px is p माइनस टू, ठीक है। x की प्लेस पे क्या रख देंगे, माइनस टू रख देंगे। एट x इज इक्वल टू माइनस टू, मतलब वेरिएबल की वैल्यू माइनस टू के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो होगी वो x की जगह पे माइनस टू यहां दिया गया तो यहां पे रख देंगे माइनस टू। तो p माइनस टू से जो रिजल्ट निकलेगा वही पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी। अब हम p माइनस टू निकाल ले रहे हैं ना, p माइनस टू निकाल लीजिए इक्वल टू, तो p फॉर पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल पे आ जाइए आप, जहां जहां x है वहां माइनस टू पुट करना शुरू कर दीजिए। तो इक्वल लगाया, टू एक्स स्क्वायर पहला टर्म है तो टू इंटू एक्स की प्लेस पे क्या रखेंगे, माइनस टू, माइनस में तो ब्रैकेट के साथ रखिएगा, पावर टू है, फिर माइनस फाइव है, माइनस फाइव इंटू एक्स की प्लेस पे क्या, माइनस टू,
फिर प्लस वन है यहाँ पे, तो एक्स है नहीं, वैसे ही रहेगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। इवन पावर है, पावर इवन है तो माइनस का कोई मतलब नहीं है, खत्म हो जाएगा। बस टू का स्क्वायर करिए फोर, तो टू इंटू फोर, फिर ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा। फाइव टू या टेन तो होगा, लेकिन प्लस टेन होगा क्योंकि दोनों ही निगेटिव नंबर है, तो प्लस टेन और ये प्लस वन आपका, ये टू फोर या एट प्लस ये टेन और ये प्लस वन, तो दिस इक्वल टू आपको मिल जाएगा 18 प्लस वन 19। तो इस तरह से जो है आपको मिल गया, देयर फोर पी माइनस टू इज इक्वल टू आ गया आपका 19। तो इट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। इसको क्या बोलेंगे, इट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। इसको मैं स्टेटमेंट के टर्म्स में भी लिख दे रहा हूं, इट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, तो वैल्यू क्या निकली, 19 इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको जो है नोट कर लें। तो कुछ नहीं है, आप पी एक्स को नोट कीजिए, ये थोड़ा कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं जो स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, तो अगर आपने सही से समझा तो स्टेटमेंट लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लिख देना चाहिए, नहीं तो आप पी माइनस टू डायरेक्ट निकाल लीजिए कि आपको पता है एक्स के प्लेस पे बस यही माइनस टू दिया है तो माइनस टू रख देना है, सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद जो आंसर आ जाए बता दीजिए कि वो जो है वैल्यू है पॉलिन। तो वैल्यू कितनी निकली, 19 निकली है, ध्यान रखिएगा 19 इज द आंसर। ठीक है, 19 इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। क्लियर है, ओके, तो ये नोट कर लीजिए, मैं अब इसको रख करूंगा, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे क्योंकि अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं। अब ये सेकंड वाला, ये सेकंड हो गया, सेकंड की बात करेंगे। अब एफ वाई नोट कीजिए, एफ वाई आपको दिया वाई क्यूब माइनस टू वाई स्क्वायर, वाई क्यूब माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ एफ वाई एट y इज इक्वल टू माइनस सॉरी प्लस वन। ठीक है, तो चलिए y की वैल्यू वन के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको पता ही है कि जो वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ एफ वाई एट y इज इक्वल टू वन इज क्या हो जाएगी, f और y की प्लेस पे वन, एफ वाई जो था यहाँ पे y की जगह क्या लिख देंगे, इज एफ वन, एफ वन होगी, एंड नाउ एफ वन हम फाइंड कर लेंगे, नाउ एफ वन निकाल लीजिए। ठीक है, y की प्लेस पे वन रख देंगे तो वैल्यू निकल आएगी, मतलब एफ वन से जो वैल्यू मिलेगी वही आंसर होगा, तो एफ वन की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। अब f तो पॉलिनोमियल है, तो f पॉलिनोमियल में जहां जहां y है रखो, y की प्लेस पे वन रखना है, वन रखना है, तो वाई की प्लेस पे वन रखा, वन की पावर थ्री, फिर माइनस है टू वाई स्क्वायर, टू वाई स्क्वायर तो वाई तो वन है, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर किया प्लस वाई, तो वाई की प्लेस पे वन माइनस फाइव, तो वन का क्यूब तो वन ही होगा, वन का स्क्वायर वन होगा, तो टू वन जा टू, माइनस में ही रहेगा माइनस टू, ये प्लस वन, ये माइनस फाइव, इसको सॉल्व किया, देखिए ये वन पॉजिटिव है, ये वन पॉजिटिव है, ये दोनों ऐड होकर टू हो गए, ये माइनस टू, ये माइनस फाइव, तो ये प्लस टू माइनस टू कैंसिल हो गया, माइनस फाइव बच गया, तो देयरफॉर अब मैं इसको रफ कर दूंगा, क्वेश्चन तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ये मैं रफ कर दूंगा,
तो इस तरह से जो है एफ वन इज इक्वल टू माइनस फाइव, ये हो गया आपका। तो आप देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ एफ वाई एट वाई इज इक्वल टू वन इज एफ वन, एफ वन वैल्यू है, तो एफ वन कितना निकला माइनस फाइव, तो सो माइनस फाइव इज द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल एफ वाई एट y इज इक्वल टू वन। तो ये है आपका आंसर। अगर स्टेटमेंट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो सो माइनस फाइव इज द वैल्यू ऑफ एफ वाई एट y इज इक्वल टू वन, ये कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है, न्यूमेरिकली तो यहाँ पे हमने लिख दिया आंसर, ये स्टेटमेंट के साथ कंप्लीट आंसर होगा। आपको टिक मारने का ऑप्शन आएगा तो माइनस फाइव पे टिक मार दीजिएगा। ठीक है, और अगर स्टेटमेंट की लैंग्वेज में जैसे हम कोई कहें जिससे अगला समझे, तो ये माइनस फाइव क्या है, तो माइनस फाइव इज द वैल्यू ऑफ एफ वाई एट वाई इज इक्वल टू वन, वैल्यू ऑफ एफ वाई मतलब पॉलिनोमियल एफ वाई, पॉलिनोमियल एफ वाई की वैल्यू y इक्वल टू वन के लिए माइनस फाइव है। ठीक है, वन क्या है, वेरिएबल की वैल्यू दी गई है कि इस वैल्यू पे पॉलिनोमियल क्या वैल्यू देगा, तो इस वैल्यू पे वेरिएबल के इस वैल्यू पे पॉलिनोमियल माइनस फाइव देगा। ठीक है, ओके, तो ये आपने जो है क्वेश्चन देखा कि वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आगे चल के जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी रिलेटेड रहेगा। ठीक है, उसको भी हम लोग समझेंगे, और फिर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल से हम फैक्टर को भी रिलेट करेंगे, वो भी समझेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल टॉपिक। ठीक है बेटा, तो चलिए आप लोग इतना जो है करिए, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल की बात हो गई है, आप इसको करेंगे समझेंगे। ठीक है, फिर हम जो है अगले वीडियो में जो है इसके आगे जो है आपको ले आएंगे। लेकिन आपका हमसे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एफ मतलब ये पॉलिनोमियल की वैल्यू से रिलेटेड जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आप लोग ट्राई भी करते रहें, आसान सा है। अगले वीडियो में हम जो है आगे की बातें कर लेंगे, फिर पूरे की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। लेकिन आप लोग अपनी तरफ से लगाइए, और जो आज चीजें बताई गई हैं उसको वीडियो में अच्छी तरह से देखिए समझिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।